वार्म वेलकम एवरी वन इन द गुरुकुल। हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए या करंट अफेयर्स का सेक्शन, और लास्ट वीडियो में हमने 35 क्वेश्चन तक ख़त्म किया था। इसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 से। और किन्हीं पर्सनल कारणों की वजह से कुछ दिनों से आपको ये वीडियोस नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब आपके एग्जामिनेशन के लिए जो बहुत कम टाइम बचा है, इसमें हम लोग पूरी क्वालिटी स्टडी करेंगे और पूरी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और आई होप आप सबने 4 अक्टूबर से एडमिट कार्ड आपके अवेलेबल है वेबसाइट पर, आपने डाउनलोड कर लिया होगा। तो कमेंट सेक्शन में एक बार आप लिख के बता दीजिए, अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो एक बार यस लिख दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू करते हैं। द स्टैचू ऑफ यूनिटी हैज़ बीन शॉर्ट listed for the structural award 2019 of the UK based institution of the structural engineers, so in which city it was built। तो यहाँ पर है मोस्ट जो प्रोफाइलिपिक क्रिएशन है रिसेंट, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट बनाया गया है, जिसे रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ये। तो ये कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया है केवाड़िया में। केवाड़िया कहाँ पर है? तो केवाड़िया जो है ये इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट है, रिप्रेजेंट करता है कोलोसल स्ट्रक्चर फेसिंग द सरदार सरोवर डैम ऑन द रिवर नर्मदा। सो यहाँ पे एक आइकॉनिक सिंबल है आयरन मैन, जिसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसके लिए ये टावर बनाया गया है। जो पर्सनालिटी हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जो इंटीग्रेशन या फिर न्यूक्लियस और यूनाइटेड कंट्री जो है, इसी को ये स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उन्हीं के मेमोरियल में यानी सरदार पटेल के मेमोरियल में ये बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। जो ये केवाड़िया ये जो टाउन है, ये कहाँ पर है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। जापान सफर टू न्यूक्लियर अटैक्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, फर्स्ट एट हिरोशिमा एंड द सेकेंड वॉज एट। तो जापान जो सफ़र किया था टू न्यूक्लियर अटैक्स यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, वर्ल्ड वॉर टू के एंड में जो है ये अटैक किया गया था। तो पहला अटैक किया गया था जापान के हिरोशिमा पे, दूसरा अटैक ये कहाँ किया गया था? तो दूसरा अटैक जो किया गया था ये किया गया था नागासाकी पे। आपको पता ही होगा कि जो फर्स्ट अटैक था हिरोशिमा पर और सेकेंड नागासाकी पे किया गया था वर्ल्ड वार टू के दौरान, जो कि रिस्पेक्टिवली 6 अगस्त को हुआ था फर्स्ट अटैक और 9 अगस्त को जो हुआ था ये सेकेंड अटैक हुआ था, जो नागासाकी पे हुआ था 1945 में। हमारा अगला सवाल है कि रिसेंटली इसरो हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर एट। तो कहाँ पे किया है रिसेंटली इसरो ने? एक तो इसरो के जो पहले चेयरमैन है उसके बारे में जान लीजिए। इसरो के जो चेयरमैन है के सिवान, उनका नाम है। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, कहाँ पर रखा है? तो पीनिया इन बेंगलुरु। सो ये कहाँ रखा गया है? तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा बेंगलुरु। और बेंगलुरु में कहाँ पर? ये पीनिया जगह है, वहाँ पर बेंगलुरु में किया गया है। द कंट्रोल सेंटर ये जो है ये फैसिलेट कर रहा है यहाँ पे इंटेंसिफाइड एक्टिविटी या फोर्सिन ऑफ SSAM ऑफ व्यूज ऑफ इंक्रीजिंग डेब्रिज पॉपुलेशन एंड ऑपरेशनल स्पेस असिस्ट को। क्वेश्चन नंबर 39। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बैंक्स हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू लिंक अप विथ चाइनाज नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम, सो CNAPS, यानी कि कौन सा अभी बैंक है, फर्स्ट इंडियन बैंक है जो लिंकअप कर लिया है चाइनाज के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम के साथ? तो ये लिंक कर लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, लिंक किया है CNAPS के साथ। तो यहाँ पर क्या किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो संघाई ब्रांच इज़ नाउ कनेक्टेड टू चाइनाज नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम, सो बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ऑपरेट दिस सिस्टम। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 14। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स हैज़ बिकम द बैट्समैन विद द मोस्ट नंबर ऑफ 6 इन T20I फॉर्मेट? तो सबसे ज़्यादा रन बन सिक्सेस लगाने वाले बैट्समैन जो बन गए हैं वो है रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 41।
क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है कि विच फिल्म हैज़ बिन अवार्डेड विद द बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू इन 66th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो ये जो फिल्म आई थी पैडमैन, आपने नाम सुना होगा, तो पैडमैन मूवी को मिला था 66th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। ये सोशल इशू के ऊपर बनाई गई मूवी थी जिसमें कि अक्षय कुमार थे। तो इसे बेस्ट फिल्म डिक्लेयर कर दिया गया। पैडमैन 2018 में आई थी, जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी, जो कि कॉमेडी ड्रामा थी, और अक्षय कुमार और सोनम कपूर थी इस मूवी में, और लीड रोल में राधिका आप्टे भी थी। तो ये बेस्ड था फिल्म एक सैनिटरी मैन है जो उसके जो मेन है यहाँ पर, जिसके बारे में जानना हमें कि जो सैनिटरी मैन ऑफ सेक्रेड लैंड, अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ ट्विंकल खन्नाज बुक, ट्विंकल खन्ना की जो बुक है उसके ऊपर बेस्ड थी। और लीजेंड जो है इसके जो लक्ष्मी प्रसाद, जिनके ऊपर ये मूवी बनाई गई थी। तो लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद विच इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द लाइफ ऑफ, किसकी लाइफ से पे ये बेस्ड है, तो ये जो लाइफ है ये इम्पॉर्टेंट है आपको, तो ये आप याद रखिएगा किसकी लाइफ पे बनाई गई थी। तो ये अरुणाचलम मुरुगनाथनम, इनके जो है स्टोरी पे बनाई गई थी, इनकी रियल स्टोरी थी जिसके ऊपर ये मूवी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉज अवार्डेड बेस्ट फीचर फिल्म इन द 66th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो यहाँ पर हेलारो मूवी को ये अवार्ड से सम्माना गया है कि बेस्ट फीचर फिल्म इन द 66th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो ये जो हेलारो मूवी है ये बेस्ड है वुमेंस के ऊपर, इन कच्छ में जो वुमेंस हैं उसके ऊपर बेस्ड है। विकी कौशल जो है और आयुष्मान खुराना ने शेयर किया इस अवार्ड को बेस्ट एक्टर का, इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। इसमें उरी और अंधाधुंध रिस्पेक्ट इनको भी मिला है अवार्ड, और कीर्ति सुरेश जो है उन्होंने लिया है नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द तेलुगु फिल्म महांती के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गवर्नमेंट विल लॉन्च अ स्कीम फॉर रिस्ट्रक्टिंग ऑफ लोन्स ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि MSMEs डेवलपमेंट के लिए कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च किए हैं इसके लिए। तो यहाँ जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्कीम। सो इसमें क्या करेंगे, ये रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अंडर द डॉक्टर YSR नवोदयम स्कीम सपोर्ट टू द स्ट्रेस्ड MSME सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड इंडियाज लार्जेस्ट वुमन स्टार्टअप समिट 2019। सो कौन सी सिटीज़ जो है उन्होंने होस्ट किया है इंडियाज़ लार्जेस्ट वुमन स्टार्टअप समिट को 2019 का, तो ये किया है कोची ने किया है से समिट, और ये प्रमोट कर रहा है वुमन इंटरप्रेटर, मतलब जो औरतें जो हैं काम करती हैं उनके लिए, और केरला स्टार्टअप मिशन जो होस्टेड किया गया वुमन के स्टार्टअप समिट एसोसिएशन विद द इंडियन वुमन नेटवर्क फ्लोटेड बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 45, रिसेंटली डिएगो फॉरेलन अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, किस स्पोर्ट्स ये रिलेटेड थे, तो ये रिलेटेड थे फुटबॉल से। तो फॉर्मर उर्गवे फुटबॉलर प्लेयर जिसका नाम था डिएगो फॉरेलन, 40 ईयर्स के थे, उन्होंने अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट, 21 साल के कैरियर को इन्होंने रिटायर्ड ले लिया है, जो फुटबॉल प्लेयर थे। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्क्लेव 2019। ये कौन सी सिटी ने किया है, तो ये किया है गुरुग्राम ने। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वृक्षारोपण महाकुंभ कैंपिंग। ये वृक्षारोपण महाकुंभ कैंपिंग जो है इसके अंदर क्या किया गया, 22 करोड़ सैम्पलिंग की गई है एक दिन के अंदर पूरे स्टेट के, वृक्षारोपण महाकुंभ कैंपिंग जो चीफ मिनिस्टर ने जो है ये कहाँ किया गया, तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में, और किसके द्वारा, तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उनके द्वारा किया गया ये।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विथ नीति आयोग फॉर 2019 वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी WTI अवार्ड? तो ये जो किया है व्हाट्सएप ने, तो व्हाट्सएप ने कोलेबरेट किया है नीति आयोग के साथ WTI अवार्ड 2019 के लिए. सो इट विल बी प्रोवाइडेड प्रोवाइडिंग सपोर्ट अमाउंटिंग टू USD. यहाँ पर कितने डॉलर का अमाउंट है? तो 1 लाख डॉलर का अवार्ड जो दिया जाएगा वो विनर को दिया जाएगा. नीति आयोग ने लॉन्च किया है फोर्थ इंडियन वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स. क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ लॉन्च ई वर्सन ऑफ रोजगार समाचार? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया ई वर्सन रोजगार समाचार का? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने. यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च किया ई वर्सन ऑफ रोजगार समाचार का. तो ऐसे लोग जो एस्पायरेंट्स हैं जॉब के लिए वो जो है इसके थ्रू ई न्यूज़पेपर ले सकते हैं और इस पे www.employmentnews.gov.in पे क्लिक करके इसका ई वर्सन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं. इन द रिसेंटली पास्ट मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 देर इज़ अ प्रपोजल ऑफ अ स्कीम टू अलाउ कैशलेस ट्रीटमेंट इन विक्टिम्स इन अ रोड एक्सीडेंट ड्यूरिंग द गोल्डन आवर. द गोल्डन आवर इज डिफाइंड एज द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ अप टू डेथ फॉलोइंग अ ट्रॉमेटिक इंजरी ड्यूरिंग विच द लाइकलीहुड ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ थ्रू प्रॉम्प्ट मेडिकल केयर इज द हाइएस्ट. तो यहाँ पर जो है गोल्डन आवर माना गया है 1 आवर. अब ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पर है अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो जो विक्टिम है वहाँ पर तो वो कितने टाइम के अंदर उसको गोल्डन आवर माना गया है, तो 1 आवर के अंदर अगर उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है और जाने के बाद उसकी जो पूरी ट्रीटमेंट होगी वो पूरी फ्री होगी वहाँ पर हॉस्पिटल के द्वारा कराई जाएगी. और उसके बाद इसके बाद में पूरा डिटेल देख लेते हैं. इसमें क्या है कि अगर इन केस इस बिल को लाया गया है, इस बिल में यानी कि जो एक फॉलोइंग ट्रॉमेटिक इंजरी है गोल्डन आवर डिफाइन किया गया है एट द टाइम पीरियड ऑफ अप टू 1 आवर फॉलोइंग द ट्रॉमेटिक इंजरी सो ड्यूरिंग विच लाइकलीहुड ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ थ्रू द प्रॉम्प्ट मेडिकल केयर इन द हाइएस्ट. अब बिल प्रपोजेस टू इंक्रीज द मिनिमम जो कॉम्पनसेशन है हिट एंड रन केसेस में जो किया गया है कि जो अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे कॉम्पनसेशन के लिए रकम बढ़ाकर कर दी गई है 25,000 से लेके 2 लाख रुपए तक. और अगर यहाँ पर इंजुरी रहती है जो कि तो उसके लिए जो अमाउंट तय किया गया वो 12,500 से लेके 50,000 का अमाउंट किया गया है. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन मणिपुर मिशन? तो यहाँ पर जो ब्रांड एम्बेसडर हुए हैं कौन है? तो ये वेलेंटिना एलान गिबम, ये 9 ईयर्स के हैं. इन्होंने अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन मणिपुर मिशन के लिए. एक यंग चाइल्ड है मणिपुर का. ही वॉज सीन वीपिंग प्रोफ्यूजली अ वायरल वीडियो आफ्टर टू ट्रीज. अब यहाँ पे दो जो प्लांटेड ट्री है उसे काटा जा रहा था तो एक बच्चा है जो रोता हुआ पाया गया. अब इसका ये वीडियो बना करके वायरल कर दिया गया, इसी बच्चे को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है. तो ये कहाँ का है? काकचिंग डिस्ट्रिक्ट है, वेलेंटिना वहाँ का है और क्लास 5 का स्टूडेंट है. जो कौन से स्कूल है? तो अमिटोम्बी डिवाइन लाइफ स्कूल है जो कहाँ पर है? हियालगम वेबगाई में है. एंड शी हैज़ प्लांटेड 2 गुलमोहर ट्रीज व्हेन शी वाज इन क्लास 1. जब वो क्लास 1 में थी तो उन्होंने एक दो प्लांट गुलमोहर प्लांट को किया गया था नदी के किनारे उसकी लोकेलिटी के पास. और बाद में जब उसे काटा जाने लगा तो रिवर बैंक को क्लीन करने के लिए तो उसे रोता हुआ पाया गया और इसका किसी ने वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया गया जिसका इसके बाद इसे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 52, ऑन द ईव ऑफ 73rd इंडिपेंडेंस डे थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ सेवरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन अनफर्ल्ड अ 15 किलोमीटर लॉन्ग नेशनल फ्लैग बाय फॉर्मिंग अ ह्यूमन चेन. तो ये कहाँ किया इन्होंने? तो ये किया था रायपुर में. रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है.
रिसेंटली यूनियन ह्यूमन MHRD डिपार्टमेंट ने यूनियन ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च समग्र शिक्षा जल सुरक्षा ड्राइव टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज अमॉन्ग स्कूल स्टूडेंट्स. सो करंटली हु इज HRD मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो करंटली कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये है कौन है हमारे अभी, तो रमेश पोखरियाल निशांक, ये है करंट HRD मिनिस्टर इंडिया के, जिन्होंने क्या किया है, इन्होंने लॉन्च किया है ये लॉन्च ड्राइव एट केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कंटोनमेंट में किया गया है इनके अंतर्गत. क्वेश्चन नंबर 54, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना. दिस स्कीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट, ये जो किस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, तो ये कौन से स्टेट की है, ये है झारखंड की. तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वेंकैया नायडू, उन्होंने लॉन्च किया है झारखंड गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना. ये ऑब्जेक्टिव है चीफ मिनिस्टर के कृषि आशीर्वाद योजना के कि प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंस जितने फार्मर्स हैं झारखंड के, उनकी हेल्प के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस इन्हें दिया जाएगा. और जिससे कि क्या होता है कि फार्मर्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम आती है लोन्स की वजह से, ये उसे सॉल्व करेगी, कम करने की कोशिश की जाएगी. क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज विल होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया इन 2020. तो इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है खेलो इंडिया से. तो ये इसका आंसर है आसाम. तो यहाँ पे यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण, कौन है ये भी जानना है, किरण रिजिजू हैज़ अनाउंस दैट थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स विल बी हेल्ड इन गुवाहाटी, असम में किया जाएगा. थोड़ा सा खेलो इंडिया गेम के बारे में जान लेते हैं. खेलो इंडिया जो है ये क्या है, ये यूथ गेम्स हैं जो कि नेशनल लेवल पे मल्टीडिसिप्लिनरी ग्रास रूट गेम्स जो इंडिया के 2 कैटेगरी में, नेमली अंडर 17 इयर्स, मतलब अंडर 17 इयर्स है और जो है अंडर 21 इयर्स के कॉलेज स्टूडेंट्स को, तो हर साल 1000 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे जो कि एनुअल स्कॉलरशिप उन्हें दी जाएगी 5 लाख रुपीज़ की 8 ईयर्स के लिए. प्रिपेयर किया जाएगा उन्हें इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 56, द इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, तो एवरी ईयर से ऑब्जर्व किया जा रहा है कब से, ये 12 अगस्त को. तो इंटरनेशनल यूथ डे एवरी ईयर 12 अगस्त तक, ये फर्स्ट शुरुआत की गई थी इसकी 2000 में. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, रिसेंटली डेविड वर्मन हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस, कौन थे वो डेविड वर्मन, एक जिनका अभी हाल ही में देहांत हुआ है. ही वॉज सॉन्ग राइटर, कई सारे सॉन्ग उन्होंने लिखा था और ये ड्रग एडिक्शन से सफ़र कर रहे थे और इसी वजह से उन्होंने कई बार उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट भी करने की कोशिश करी थी. क्वेश्चन नंबर 58, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI हैज़ अग्रीड टू कम अंडर द एम्बिट ऑफ नाडा, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नाडा. अब यह नाडा का यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, नाडा का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी. इसका काम क्या है, तो ये क्या करती है, इसका काम है कि जो लैंडमार्क डिसीजन है जो इंडियन क्रिकेटर्स के गवर्निंग बॉडी स्पोर्ट्स जितने भी हैं उससे डिसीजंस लेती है, और नाडा का डिसीजन जो एंटी डोपिंग एजेंसी जिसका फाइनल डिसीजन माना जाता है. रिसेंटली इंडियाज बजरंग पुनिया हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट टबिलिसी ग्रैंड प्रिक्स इन टबिलिसी जॉर्जिया, ही इज़ रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट्स. तो बजरंग पुनिया किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये रेसलिंग से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 60, एवरी ईयर वर्ल्ड एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन डैश टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एलिफेंट. तो हर साल वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है 12 अगस्त को.
12 अगस्त को, जिससे कि जिसमें कि क्या है, जो क्रिएट क्रिएट किया जाता है अवेयरनेस फॉर अर्जेंट, जितने भी अर्जेंट प्लिंग्ड हैं अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट्स जो हैं उनके बारे में नॉलेज शेयर करना, उनके रख रखाव के बारे में और उनकी जानकारी ली जाती है। इस 12 अगस्त 2012 को पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी। इंटरनेशनल एलिफेंट डे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 12 अगस्त 2012 को, तब से ये हर साल सेलिब्रेट किया जा रहा है 12 अगस्त को। हाउ मैनी इंडियन ऑरिजिन यूथ पार्टिसिपेटेड इन 54th एडिशन टू नो इंडिया प्रोग्राम? सो द नंबर इज 40। सो 40 इंडियन ऑरिजिन यूथ हैव पार्टिसिपेटेड पार्ट इन 54th एडिशन टू नो इंडिया प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 62, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंडियन मेन्स क्रिकेट टीम? तो ये रवि शास्त्री, इनको रीअपॉइंट किया गया है हेड कोच ऑफ इंडियन मेन्स क्रिकेट टीम को, रवि शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाई यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ट्रीटिंग ड्रग रेसिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? तो ये कौन से ड्रग को किया गया, कौन सी दवाई को किया गया है? तो ये किया गया है प्रीटोमैनिड को। क्वेश्चन नंबर 64, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज एट विच प्लेस? तो नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया कटक, जो कि उड़ीसा में है। आदि महोत्सव नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया गया पोलो ग्राउंड लेह लद्दाख में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली रिसीव्ड GI टैग? किसे रिसेंटली GI टैग दिया गया? GI टैग क्या है? तो GI टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है। अभी हाल में ये तिरूर बेटल लीफ को, यानी पान की पत्तियों को, तिरूर के बेटल लीफ को दिया गया है ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्वेश्चन नंबर 66, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु विल बी डिवाइडेड इंटू 3 डिस्ट्रिक्ट? तो यहाँ तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया है कि पलानी स्वामी, उन्होंने अनाउंस किया गया है कि यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा 3 डिस्ट्रिक्ट्स में। किसे? तो वेलोर को उन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया है। तो क्या होगा? वेलोर, रानीपेट और तिरुपुत्तूर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। 67, हु रिसीव्ड 2019 महर्षि बद्रायन व्यास सम्मान इन संस्कृत? संस्कृत में किसे दिया गया है ये सम्मान? तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने दिया है ये सम्मान, सुजाता त्रिपाठी को दिया गया है ये सम्मान दिया गया है 2019 का, महर्षि बद्रायन व्यास सम्मान संस्कृत के लिए दिया जाता है। सो विच स्टेट लॉन्च द फ्लैगशिप प्रोग्राम विलेज वॉलंटियर सिस्टम एम्ड एट प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज एट डोर स्टेप ऑफ पीपल? तो चीफ मिनिस्टर जो है ये शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने लॉन्च किया है गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम, जिसे कि उन्होंने नाम दिया विलेज वॉलंटियर सिस्टम, जो कि क्या करेगी, प्रोवाइड कराएगी जितने भी गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं उसे डोर स्टेप पे लोगों की सुविधा के लिए इसे घर पर ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड इन अगस्त 2019? तो इसरो के जो अभी चेयरमैन हैं उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, जिनका नाम है कैलास व दीवो सिवान, इन्हें दिया गया है, यानी KS सिवान को दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड, जिसे अवार्ड दिया गया बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट के। सो ही वाज अवार्डेड इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज स्टेलर वर्क इन प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2019? तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2019 का थीम क्या है? तो यहाँ पर जो थीम है इसका, ये है वुमेन ह्यूमैनिटेरियंस। जो थीम है, द थीम ऑफ वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2019, वुमेन ह्यूमैनिटेरियन डे इज ऑब्जर्व एनुअली टू पे ट्रिब्यूट टू द ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर्स हु एंडेंजर विद द लाइव्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज। तो जो ऐसे लोग जो काम करते हैं जिनके जिनकी जॉब काफ़ी खतरनाक है उनके खुद के लिए। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्लांट्स हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन भूटान? तो हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है भूटान में, दैट इज़ मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसका उन्होंने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, ये फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ इनॉग्रेटेड द बंकर म्यूजियम इन, कहाँ पे इन्होंने किया है लॉन्च? तो ये किया है महाराष्ट्र राजभवन में, रामनाथ कोविंद ने इनॉग्रेट किया है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लॉन्च्ड स्कूल फागादाबा? विच इज़ मेक एजुकेशन बेटर टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। तो ये जो स्कीम है ये इम्प्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि बहुत ही बुरे कंडीशंस में है, उसे बेटर करने के लिए किया गया है। तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये स्टेप लिया गया है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है मणिपुर। तो उन्होंने नाम दिया है फागादाबा, जो कि है, इसका मतलब होता है मेक एजुकेशन बेटर, जिसमें कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात कही गई है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच पॉलिटिकल पार्टी? तो हाल ही में बिहार के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जिनका देहांत हुआ है, तो कौन से पॉलिटिकल पार्टी से ये थे, बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, यानी कि INC से, जिनका देहांत हो गया 82 ईयर्स की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 75, डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम हैज़ एलिवेटेड इट्स CFO एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मधुर द्योरा एज प्रेसिडेंट, हु इज़ द करेंट ECO ऑफ पेटीएम? तो किसे किया इसने नियुक्त? इसने किया विजय शेखर शर्मा को, विजय शेखर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अनाउंस टू स्टेब्लिश लेमरू एलिफेंट रिजर्व? तो ये अनाउंस किया है कहाँ की, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन टीचर एजुकेशन? टीचर एजुकेशन पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया है, ये किया है न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 78, द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर, फॉर वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19th of August को, और ये मनाया जाता है शेयर किया फोटोग्राफी को प्रमोट करने के लिए, 19th August को, इसे इंस्पायर करने के लिए जो फोटोग्राफर्स हैं, टू शेयर अ सिंगल फोटो विद द वर्ल्ड। सो यहाँ पे जो कैमरा पर्सन टेक स्टॉक द डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोग्राफी दैट कम टू द फोर। क्वेश्चन नंबर 79, टू बूस्ट द केमिकल इंडस्ट्री इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, यानी कि CICET विल बी सेटअप इन विच स्टेट? किस स्टेट में सेटअप किया जाने की बात की गई है? तो इसे सेटअप किया जाएगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 80, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल कोच ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट टीम? तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कोच किया गया है रसल डोमिंगो को, रसल डोमिंगो। क्वेश्चन नंबर 81, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड न्यू सेट्स ऑफ हेल्थ वार्निंग्स फॉर ऑल टोबैको प्रोडक्ट्स
बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट इन सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूल्स 2008. द न्यू वार्निंग विल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम, कब से ये आएगा इफेक्ट में, तो ये आएगा 1 सितंबर 2019 से ये इफेक्ट में आएगा. Question number 82. The Ministry of New and Renewable Energy has approved a proposal to declare ocean energy as renewable energy. Currently, who is the Minister of New and Renewable Energy? कौन है ये currently हमारे minister? तो ये है आर के सिंह. आर के सिंह currently जो सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं. आर के सिंह मिनिस्ट्री ऑफ नॉ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है. बायनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन विल बी ऑर्गेनाइज एट विच प्लेस इन मार्च 2020. तो कहाँ किया जाएगा ये? विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज करेगी ये एक्सरसाइज को मिलन के नाम से. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च्ड एन अननेम्ड रॉकेट कैरिंग. लाइफ साइज ह्यूमनॉइड रोबोट नेम्ड फेडोर टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन अगस्त 2019. तो रशिया ने लॉन्च किया है एक अनमैन रॉकेट कैरिंग जिसमें लाइफ साइज एक ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम रखा है उन्होंने फेडोर. फेडोर का फुल फॉर्म है फाइनल एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च. क्वेश्चन नंबर 85 है. तिरुर बेटल वाइन विच रिसेंटली अगस्त 2019 हैज रिसीव्ड अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग इज अ बेटल लीफ ऑफ विच स्टेट. तो कौन से स्टेट का है? तो ये है तिरुर जो स्टेट है वो केरला में आता है. तो ये केरला का है जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है. क्वेश्चन नंबर 86. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्फर्ड विद द पुष्किन मेडल 2019 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू रशियन स्टडीज अब्रॉड. तो ये मिला है मीता नारायण को. प्रोफेसर मीता नारायण जो JNU में उन्होंने कॉन्फर्ड किया था पुष्किन मेडल 2019 को फॉर द कंट्रीब्यूशन इन रशियन स्टडीज अब्रॉड. अब पुष्किन मेडल जो है वो हाईएस्ट इंटरनेशनल अवार्ड है जो दिया जाता है स्कॉलर ऑफ रशियन लैंग्वेज के क्षेत्र में और लिटरेचर फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ रशियन स्टडीज अब्रॉड. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रिटेन द टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर 5 ईयर्स. तो ये किया है पेटीएम ने. क्वेश्चन नंबर 88. हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टॉप्ड द फोर्ब्स लिस्ट 2019 ऑफ हाईएस्ट पेड फीमेल एक्टर्स इन द वर्ल्ड. तो ये है स्कारलेट जोहानसन. ये सेकंड लगातार वर्ष इन्हें ये दिया गया है. टॉप्ड है जो फोर्ब्स की लिस्ट आती है हाईएस्ट पेड फीमेल एक्टर्स. तो जो सबसे हाईएस्ट जो जिन्हें पैसे मिलते हैं जो एक्ट्रेस को उनके नाम रहते हैं इस लिस्ट में. नेक्स्ट है रिसेंटली दीपा मलिक डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019. शी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट. किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है? तो वो बिलोंग करती है पैरालंपिक गेम्स से. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लॉन्च रूपे कार्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग RBN कंट्री टू इनिशिएट द इंडियन इंडिजिनस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट. तो ये किया है UAE में. क्वेश्चन नंबर 91. इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड फ्रांस टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट. व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर समिट. तो इस साल का जो G7 समिट है इसका थीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइटिंग इनइक्वलिटी. सो इनइक्वलिटी के खिलाफ फाइटिंग ये इस बार का थीम है. क्वेश्चन नंबर 92. रिसेंटली इन अगस्त 2019 इंडियाज चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल BS धनोआ पार्टिसिपेटेड इन इंडो पैसिफिक चीफ्स ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस. द कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज. तो ये किया गया था बैंकॉक में. क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 93, बंधन बैंक इन एसोसिएशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो बंधन बैंक ने जिस किसके साथ अभी गठबंधन किया है, जो लॉन्च किया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, तो ये किया है बंधन बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ मिलकर। क्वेश्चन नंबर 94, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड्स हेडेड बाय TM भसीन। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कॉन्फर्ड PM मोदी विथ द किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसियस अवार्ड, बहरीन। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया अभी बहरीन में रिसेंटली, उन्होंने हेल्ड किया है जो किंग ऑफ बहरीन है जिसका नाम है हमाद बिन ईसा अल खलीफा इन मनामा। तो उन्होंने वेरियस बिलेटरल रीजनल इश्यूज़ को वहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया है और दोनों कंट्री ने साइन किया है बहुत इम्पॉर्टेंट 4 मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो MOUs, उन्होंने 4 MOU उन्होंने साइन किए हैं आपस में। क्वेश्चन नंबर 96, इन फुटबॉल गोकुलम केरला FC वॉन द डूरंड कप 2019 बाय डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टीम, किसको डिफीट किया है उसने, तो ये किया है मोहन बगान टीम को डिफीट किया है। क्वेश्चन नंबर 97, रिसेंटली अगस्त 2019 कोमालिका बारी वॉन गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, सी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है, तो ये आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से बिलोंग करती है, जो 17 साल की है कोमलिका बारी, जिन्हें दिया गया ये अवार्ड। PV सिंधु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड, सी डिफीटेड इन द फाइनल, उसने फाइनल में किसे पराजित किया है, तो उन्होंने किया है नोजोमी ओकुहारा को। क्वेश्चन नंबर 99, रिसेंटली अगस्त 2019 बी साई प्रणीत वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं बैडमिंटन से, ये 27 साल के हैं बी साई प्रणीत, जो सेकेंड इंडियन मेल शटलर बन गए हैं, फर्स्ट थे जो प्रकाश पादुकोण थे 1983 में, तो काफ़ी टाइम के बाद ये 2019 में इन्हें ये अवार्ड मिला है प्रकाश पादुकोण के बाद। क्वेश्चन नंबर 100, इन रिसेंटली हेल्ड अगस्त 2019 BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप इंडियाज PV सिंधु वॉन गोल्ड मेडल इन वुमेंस कैटेगरी, इन मेंस कैटेगरी हु वॉन द गोल्ड मेडल, तो अभी रिसेंटली जो हुआ है उसमें जो वुमेन कैटेगरी में मिला गया दिया गया पीवी सिंधु को, तो मेल कैटेगरी में किसे दिया गया, तो ये दिया गया है केंटो मोमोटा को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज 2-डे विजिट लॉन्च्ड $4.2 million रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द 200 years old श्री कृष्णा टेम्पल इन बहरीन, वॉट इज़ द कैपिटल ऑफ बहरीन, तो बहरीन की कैपिटल क्या है। अभी उन्होंने एक मंदिर लॉन्च की, यहाँ पे श्री कृष्णा टेम्पल है जिसको उन्होंने रीडेवलप करने के लिए किया है, जो बहरीन की राजधानी कहाँ पर है, तो ये है मनामा, ये बहरीन की राजधानी है। द सेवन्थ कम्युनिटी रेडियो सैमिलियन वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, कहाँ पर आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में, जो न्यू दिल्ली का अंबेडकर भवन है, इसमें आयोजन किया गया इसका 27 से लेके 29 अगस्त 2019 के बीच में। हमारा अगला सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज इंडियाज सेकेंड वुमन IPS ऑफिसर, तो पहली जो थी वो किरण बेदी थी, सेकेंड IPS ऑफिसर जो है वो कौन है, तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य है। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट स्टेडियम विल बी रीनेम्ड आफ्टर अरुण जेटली द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अरुण जेटली के नाम पे किया गया है किसे, तो फिरोज शाह कोटला जो है दिल्ली का है, इसका नाम जो है चेंज करके फॉलो किया जाएगा किस पर, अरुण जेटली पर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ये हमारे आज का,
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग विल बी अवॉर्डेड विथ UEFA प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2019 फॉर हिज कमिटमेंट टू हेल्पिंग इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ अदर्स. तो ये दिया गया है एरिक कैंटोना को अवार्ड दिया गया है. तो ये थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट अराउंड 105 क्वेश्चन जो हमने अभी कवर किए. और इसके बाद आपको एक करंट अफेयर्स की कुछ एक और सीरीज़ मिल जाएगी जिसमें आपको जितने भी 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं कुछ 100 क्वेश्चन हम उसमें लेंगे. जो 6 मंथ के पूरे करंट अफेयर्स हैं उसके लिए मैं एक सेशन और प्रोवाइड करा दूंगी जो आप एज अ रिविजन वीडियो यूज़ कर सकते हैं. सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आपको रेगुलरली वीडियोज़ मिला करेगी और अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग टाइमिंग पर वीडियोज़ दिए जाएंगे. आपको मैं डिटेल इसके बारे में आपको बताती रहूंगी. तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.